प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 11वें दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठा। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुखविंदर भी उसमें जो है उसमें उनके द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े हैं और पिछले 2 साल में सरकारी क्षेत्र में जो सरकार की PSUs है, कॉरपोरेशंस है और आउटसोर्स के माध्यम से कितना रोजगार पिछले 2 साल में सरकार ने दिया है और कितनी रजिस्टर्ड बेरोजगारी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ प्रदेश के अंदर है, उसके आंकड़े हमने सरकार से मांगने का आज प्रयास किया था। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जो ओपन डोमेन में जो चीज़ है उसको इस सरकार ने छिपाया है। इस पे बहुत ही जो है बहुत ही अनसैटिस्फैक्ट्री रिप्लाई जो है वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर द्वारा आया कि हम इस पे आंकड़े जो है वो जमा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि जब शीतकालीन प्रवास के दौरान हमने अभी कुछ 1-2 महीने पहले ही धर्मशाला में ये प्रश्न लगाया था तो वहाँ पे ये आंकड़े निकल कर आए थे कि 14 लाख बेरोजगार युवा आज प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड है उसकी तो संख्या अभी इनके पास है ही नहीं है। और उस एवेज में इस बारी का जो बजट है इसमें इन्होंने कहा है कि हम बेरोजगार युवाओं के लिए 20,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में देंगे, ये केवल एक झुनझुना है। और जो बढ़ती बेरोजगारी आज प्रदेश के अंदर है उसको कंपैरिजन में ये एक सिर्फ एक छोटा सा झुनझुना प्रदेश के युवाओं को दिया गया है। निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि शीतकालीन प्रवास में जब सरकार ने खुद ये आंकड़े हमारे प्रश्न पे दिए कि 14 लाख बेरोजगार युवा है, तो पिछले 3 महीने उसके बाद बीते हैं शीतकालीन प्रवास के बाद, तो कौन सा सरकार ने कोई माउंट एवरेस्ट 3 महीने के जो है इस पीरियड में चढ़ लिया? वही आंकड़े वो हमारे पास फिर से रख सकते थे, मगर क्योंकि वो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके परिपेक्ष में कोई भी सरकार बेरोजगारी की समस्या को जूझने के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है, इसलिए ये आंकड़े जो है सदन से छिपाने की कोशिश करी जा रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली को इस तरीके की शोभा जो है वो सरकार के माध्यम से वो शोभा नहीं देता है।